दशरथ देव मेमोरियल कॉलेज साल दस जानुरी फिफ्थ सेमिस्टर पढ़ाई लिटन देव बर्मा सुमित देव बर्मा ते बी बदल संग्रक ए बी वी पी सरंगने बदल रख बुजाकमानी ते टी आई एस एफ नि सरंग बदल अंगी सुमित बै लिटन खुआई थानव बुनाई रग नि मूंगी ए बी वी पी नि दीप्तानु दास बै सुजन पाल नि मूंगी एफआईआर खालामानी फियाबा पुलिस रग मूसा याप्री नाया रमिया बुनाई रगनो रायजानी बिसिंते रमिया सालकदमा अंगै थांका आ खादो मूंबाई खुआई आगरतला थांबानी लाहार कासु लाइका टी आई एस एफ रग बुनाई रगनो रमनानी सानै बेलफां नेशनल हाईवे लाहार कतरनो आबोबाई कजाबायखा गोबांमा मालखुं बरग रग थांलाइसु खालायमानलिया आबोबाई फाइनानी नांखा खुआई डी एम एस पि रग खाब्रमै बेलफांग उलो ए बि बि पि टि आइ एस एफ पुलिस बिजेपिनि आदं रग बाय पुलिस डि एम रग कक सालायमानि उलोनो कक रिउ टि आइ एस एफ नि सिरिनाय रगनो बुनाय रगनो रमनाय बरगनो गोराख माजरा दोनाय तै कलेजाव अमाहाय बुलाय टकलाय पातेमरग अंलाखनि ककरिमानि बाय बरगनि लाहार कासुमुंनो रसायना लायो टि आइ एस एफ नि रोंस्रोंनाय बदल रग खा थन थन खालायि पुलिस रगनो पुयत' चावै सांग्रां सालो नेक्स्ट टाइम जे आपनारा कुनो एकटा जे काज करुन कुनो एकटा आपनार पक्ष थेके कुनो एकटा माने कथा दिवा हैछिल एकदम बिफोर मध्ये আমাদের স্কুল ম্যাডাম আর এসপি স্যার এবং ডিএম ম্যাডাম ছিল। তো যে ঘটনাটা গত 6 তারিখ হয়েছিল সত্যি সেটা নিন্দনীয়, যার তরফ থেকে হয়েছে সেটা সত্যি খারাপ ঘটনা। কারণ এই ঘটনা আগামী দিন ত্রিপুরা যে ঘটবে এটা এবিএপি না আমার টিএসএফ অর্গানাইজেশন যাবে, তাই আমরা দুজন মিলে আমরা একত্রিত হয়েছি যে আমরা আগামী দিন কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে এইসব ধরনের ঘটনার জন্য আমরা পায়োরিটি দেবো না। হোক এবিএপি তরফ থেকে হোক টিএসএফ তরফ থেকে আমরা দুজনে মিলেই বন্ধুত্ব আমরা ক্যাম্পাস চালাবো এবং ক্যাম্পাসের মধ্যে আমরা শুধু এডুকেশন চলবে। হ্যাঁ, কোনো কোনো ধরনের এক্সট্রা কোনো ইস্যু নিয়ে সেখানে বিবাদ সৃষ্টি হয় তাহলে আমাদের মধ্যেই সেটা বসে সলিউশন করা হবে, এই আমরা আজকে আশ্বাস দিয়েছি। আমার নাম সঞ্জিত শাহ, এবিএপি রাজ্য সম্পাদক। तो आप सबको पता है दशरथ देव कॉलेज में एक दो खड़ना हुआ था, वो होना नहीं था, अनफॉर्चुनेटली वो हो गया है। तो दोनों तरफ से स्टूडेंट लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे। हम लोग एसपी साहब का चेयरमैनशिप में आज यहाँ पे मीटिंग किया था और जितना भी वो जो बाइगॉन्स है उसको बाइगॉन्स रखना चाहिए। अभी से दोनों तरफ से एश्योरेंस मिला है कि और से कोई सिक्योरिटी का ब्रीच नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह वहाँ पे हमारा नज़र रखेगा। जो सेंसिटिव टाइम है तो इसलिए ये कॉलेज के बाहर पेट्रोलिंग रहेगा सेफ्टी के लिए। और जो बच्चा वो इशू के वजह से जो एग्ज़ाम नहीं दे पाया उन लोगों के लिए एक दूसरा डेट में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो केस लिया है वो उसका तरफ से चलेगा। और बाकी जो अभी हम लोग सीरियसली ले रहे हैं क्योंकि बच्चों का फ्यूचर भी इन्वॉल्व है, तो अभी से कोई भी खड़ना होगा तो उसको हम लोग सीरियसली टैकल किया जाएगा। थैंक यू सर। कोई नमस्कार सबाई दे ठीक है सर। तुम्हारा हमारा साधारण भाव कथा कह तुम्हारा हमारे छोटो भाई ভাইয়ের মতো, তোমরা আর আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। তোমার কষ্ট আমারও কষ্ট, আমার কষ্ট তোমারও কষ্ট। তো ওই দিন যে কলেজে যে ঘটনা হয়েছে এটার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করি, এটা না হইলেই ভালো হইত। আমরা সবাই এই যে ওনাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করছি, আমরা এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করি। এখন আমি বড় ভাই, কোনো দোষ করলে আমার মাইরে লেবানে, তোমরাও আমার ভাই। তো আমি কমু তোমরা রাস্তা উপর উঠাও, কালকের থেকে মাথা উঁচু করে মন খুললা কলেজে যাও। কেউ যদি কিছু কয় আমরা জানাও, আর আশা করি কেউ কিছু কইতো না, তোমরা স্বাধীনভাবে কলেজ লাইফ এনজয় করো। কোনো প্রবলেম হইলে আমরা জানাও। তারপরে গার্জেনরা গেছে, এখানে একটা বিশ্রী ঘটনা হয়েছে, এর জন্য ওইখানে মিটিংও আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। আমরা কইতাছি তোমরার কাছে, আমরাও কলেজে পড়ছি, এখানে আমরা নিজেরা লজ্জিত। তোমরা এটারে অন্যভাবে নিও না, ত্রিপুরা রাজ্যে তোমরা আমরা সবাই মিলা একে অপরের সুখ দুঃখের সাথে, এদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হলো ভাইয়ের মতো। হ্যাঁ, তোমরা
দয়া কইরা আমি তোমাদের বড় হই ছোট হই তোমার কাছে আমরা করজুরে প্রার্থনা করতেছি তোমরা উঠাও ঠিক আছে নি ঠিক আছে হ্যাঁ ছাত্র আমি তোমার ভাই কইয়া কইতাছি এরপরে কোনো রাগ থাকলে তোমরা আমারে কও বা তোমরা আমারে मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मैं एसडीपीओ खुआई तो आप लोग का जो ये मैटर है ये मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसा हुआ तो हम लोग दो तीन दिन से ही कोशिश कर रहे थे इसको ख़त्म करने के लिए आज फाइनली ये ख़त्म हुआ डीएम मैडम थे एसपी सर थे और आपके जो प्रतिनिधि थे सभी थे वहाँ पे तो वहाँ पे जो डिसीजन लिया गया है कि वो जो दो स्टूडेंट्स हमने बुक किया है उनका केस चलता रहेगा वो हम लोग प्रीवियस हर्ट में ये केस रजिस्टर किए हैं दैट इज़ अ वेरी सीरियस केस ठीक है और बाकी जो आप टीआईएसएफ के जो प्रतिनिधि है और एबीवीपी के जो प्रतिनिधि है दोनों ने हाथ मिलाए गले मिलाए दोनों मिलके कॉलेज में आराम से रहेंगे जैसे कि हमें पता है कि ये खुआई कॉलेज में 50-50 है जो हमारे तिप्रा से स्टूडेंट्स है और जो हमारे नॉन ट्राइबल्स है दोनों मिलके ही आप लोग मस्ती से कॉलेज लाइफ को एंजॉय कीजिए और जो सिक्योरिटी का बात है हमारा मोबाइल पेट्रोलिंग वहाँ पे रहेगा कोई भी प्रॉब्लम हो बाहर में हमारा मोबाइल पेट्रोलिंग रहेगा हमारे जो कॉन्स्टेबल्स रहेंगे ऑफिसर्स भी रहेंगे मेरा नंबर इंटरनेट में दिया हुआ है एसडीपीओ खुआई का ओसी का एसपी सर का भी डीएम मैडम का भी अभी इंटरनेट के ज़माने में सबका मोबाइल नंबर है वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो बाहर में जो हमारे पुलिस के कर्मी जो रहे उनसे अगर नहीं हो पा रहा है उनसे उनको बोल के अगर आपका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है आप डायरेक्ट मुझे एसडीपीओ को कॉल कीजिए ठीक है और बीच बीच में हम लोग पीस मीटिंग करेंगे प्रिंसिपल के रूम में वहाँ पे चाय वाय में हम लोग दोनों कम्युनिटी के स्टूडेंट्स मिलके आपस में बात करके चाय वाय में हम लोग मस्ती से रहेंगे ये कॉलेज लाइफ है जिंदगी का बस तीन साल चार साल इसको ये सब में हम लोग नहीं डालेंगे एंजॉय कीजिए मैंने भी कॉलेज लाइफ बिता के आया है ये जिंदगी का सबसे अच्छे दिन होते हैं उसको एंजॉय कीजिए मस्ती से रहिए और आपस में दोस्ती बना के रखिए दोनों साइड से ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टूडेंट जो आप लोग का जो है ये तो है ही लेकिन एक दूसरे से आप मिलिए भी बातें भी कीजिए तो उसमें क्या होता है कि दूरियां मिटता है ठीक है और जो आप लोग के स्टूडेंट्स जिसका एग्जाम कैंसिल हुआ है उनका एग्जाम होगा फाइनल एग्जाम से पहले ही उनका इंटरनल एग्जाम हो जाएगा उनका भी व्यवस्था डीएम मैडम कर चुके हैं तो आप लोग आराम से रहिए एंजॉय कीजिए कॉलेज लाइफ को और आगे से कुछ भी प्रॉब्लम हो अगर हमारे पुलिसकर्मी जो बाहर रहेंगे कॉलेज से उनसे नहीं हो पा रहे डायरेक्टली ओसी या एसडीपीओ को डायरेक्टली कॉल कीजिए ठीक है सर तीन जे लम आंग बो आत्मसा अनि कैसे कोमल गुरु प्रोग्राम तो मणि और भाई मजाक भाई का बर लाम कासमन नु भाई का कि तो अब बेलाई चाया जे बर सामान्य हिस्ट्री भाई बेलाई चाया और वो নিনি আনি হিংনানি মতো এমন একটা লামা ফুলুক টোকা বরকটা যেহেতু কলেজের ছাত্রবে ছাত্র বুলাই মানো কিন্তু ফাতানে বরক ফাইয়েই বরং পুরো আক্রমণ খেয়ে নি আবো কিন্তু বেলাই চাই এখা কিন্তু অব তিনি তাবুক দেয় সরকার তো নাই বিজেপি সরকার আবার কাহাঙ্কা স্টেপ নেয় এখানকাই আর চিং খুয়াই সহর তিনি চাইনের হোক পরে না মতো মাই আং থামাই ডাঙাইহীন কলেজ নিচার রোগ যদি পরীক্ষা রে না থাকতানি যদি বুঝাগো হুঙ্কাই কলেজ থাকতানি লামাও কাছে বুঝাগো হুঙ্কাই আবু বজাগো থাং সুবিকা কিন্তু তাবু এই সরকার অবন ও সরকার যদি প্রতিবার এবং অবন যদি ইমিডিয়েটলি রুগী আঙ্কাই ইমিডিয়েটলি কাছে আঙ্কাই আব অনেক ক্ষতি নাই এবং এই খুয়াই শহর নি শুধু খুয়াই সারা ত্রিপুরানি বড় রক অর উত্তুঙ্গ নাই সারা ত্রিপুরান বড় অবনঙ্ক তিছা নাই অবনে আবাস তিছা নাই ও আবাস তিছা পুরো কিন্তু বড় রুকি না মতো সম্ভব অবশ্যই কম কেননা চিনি অরণে শুধু অরণ ছিবিয়া সারা ত্রিপুরানি ছাত্র যদি এক লোকে এক সুরো যদি ককটি শেখাঙ্কাই গভর্নমেন্ট বেলায় ক্ষতি নাই অবশ্যই কক আং নাইও কাহাম করিংখাই অরণি ডিএম এবং প্রিন্সিপাল এবং অরণি পুলিশ প্রশাসন বড় যদি
अब न कहमक स्टेप ना हो जदि बन कहमक खुआई कलेज जदि परिनानी सूझ गई हाँ खूब क्षति हिंगना अब हिनी आंगजीबो सौ एवं आंगजीब बन रिक्वेस्ट खेना गवर्नमेंट और जे खुआई प्रशासन तक बनो आंग रिक्वेस्ट खेना अवश्य कम हम बाई।